ठीक है। तो विल स्टार्ट विद सिंपल स्टेप्स एंड स्टेज, ये चैप्टर से चालू कर रहे हैं। ये कैसा है, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है सॉन्ग का। चलो सबसे पहले आईडी दे दो, स्ट्रेस, स्ट्रेस पहला आईडी दे दो, स्ट्रेस। स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बाद पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर। सिंबल है उसका सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला है पी अपॉन ए, लिख के ले लो। यूनिट क्या रहेगा इसका, न्यूटन पर एमएम, लिख के ले लो स्ट्रेस। ये बेसिक चीज है सॉन्ग का, एक रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट लिख के लो स्ट्रेन, इसका सिंबल है स्मॉल ई। नेक्स्ट लिख के लो स्ट्रेन, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंजिंग लेंथ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंजिंग लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला लिख के लो, डेल्टा एल बाय एल, यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो लीनियर स्ट्रेन, नेक्स्ट लिखो लीनियर स्ट्रेन, लिखा लीनियर स्ट्रेन, लिखा ब्रैकेट में लिख दो डेल्टा एल, डेल्टा एल सॉरी लीनियर स्ट्रेन मतलब ई एल, ई एल, ई एल, मतलब जो ऊपर डेफिनेशन लिखा ना स्ट्रेन का, वो कौन सा स्ट्रेन हो गया, लीनियर स्ट्रेन, समझा। लीनियर स्ट्रेन मतलब चेंजिंग लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब देख पहले स्ट्रेस का मतलब समझ के लिखो। अगर एक रॉड है उसके ऊपर दोनों साइड से फोर्स लगा है, बराबर, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहेगा, तो इसका स्ट्रेस क्या रहेगा, पी अपॉन ए रहेगा, क्या रहेगा, मतलब इसको तोड़ने वाली ताकत को स्ट्रेस बोलते हैं, और इसका खींचने के बाद थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा उसे डेल्टा एल बोलते हैं। तो ओरिजिनल कितना लेंथ था और बाद में कितना लेंथ आ गया, उस रेशियो को स्ट्रेन बोलते हैं। कौन सा स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है। नेक्स्ट देखो लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन का कोई सिंबल नहीं है, एल एस लिख दो, लैटरल स्ट्रेन एल एस, लैटरल स्ट्रेन का कोई सिंबल नहीं है, इसका फॉर्मूला है देखो, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कैसा, अगर एक बॉक्स है बराबर, वो बॉक्स को मैं ऐसे दोनों साइड से दबा रहा हूं, तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बोल रहा हूं, इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ फैल जाएगा, ऐसे दबाया तो डेप्थ कम ब्रेथ बढ़ गया, तो यहाँ पे चेंज क्या देखने मिला, मेरे को दो चेंज देखने मिला, इसका डेप्थ कम हो गया ओरिजिनल डेप्थ से, या तो इसका ब्रेथ कम हो गया या बढ़ गया ओरिजिनल ब्रेथ से। तो जब ब्रेथ डेप्थ डायमीटर की बात होगी तो उस समय कौन सा स्ट्रेन यूज होगा, लेटरल, जब लेंथ की बात होगी तो कौन सा स्ट्रेन यूज होगा, लीनियर। यहां तक समझ में आ रहा है,
पक्का कंफर्मेशन दो। चलो लिख लो, लिखा। चलो आगे बढ़ेंगे, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। बोलो, इट स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो मैंने क्या बोला, क्या बोला अभी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें दूंगा हुक्स में एक कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या डालते हैं, कॉन्स्टेंट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया, यंग्स फॉर्मूला। हुक्स लॉ याद रखना, तुमको ये बोलेगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इससे यंग्स मॉडुलस, इसे क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्या होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद रहेगा। तो हुक्स लॉ से कौन सा फॉर्मूला बना, यंग्स मॉडुलस। प्लीज लिख के लो, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिख के लो, लास्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या तो फिर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। सर सिंपल क्या है, मतलब चेंज की बात कर रहा हूं। तो इसका देखो क्या होगा फॉर्मूला, पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, मतलब लोड को लेंथ से मल्टीप्लाई एरिया इंटू यंग फॉर्मूला, डेल्टा एल का फॉर्मूला है, ठीक है। प्लीज लिख के लो, डन। डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ, क्या तक क्लियर है, कोई डाउट है, कुछ भी नहीं। देखो टाइप वन, देखो टाइप वन, देखो टाइप वन, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला लिख दो स्ट्रेस का, बोलो स्ट्रेस का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लिख दो लीनियर स्ट्रेन का, लैटरल स्ट्रेन का, यंग्स मॉडुलस का, डिफॉर्मेशन का। ए पी बाई टू अपन एक और चीज बोलते, क्या बोलते, समझा ना, पी बाय मतलब सिग्मा, एल को एल रखा, पी, क्लियर है। प्लीज लिख के ले लो, क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम विद द ब्लू न्यूमेरिकल, स्पीड में जा रहा हूं लेकिन जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बड़ा है, न्यूमेरिकल। बोलू क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम विद द ब्लू दैट कैन बी सपोर्टेड, दैट कैन बी सपोर्टेड
that can be supported by two wires as shown in figure. If the stress in each wire, is not to exceed 120 Newton per mm square, लिख दिया यार, लिख दो मे 18, यार लिख दो मे 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 5 मार्क्स। क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है ध्यान देना, आपको डब्ल्यू पूछा है, एक वायर दिया है इधर, एक वायर इधर दिया और दोनों का स्ट्रेस दिया आपने, स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सेल कितना बोला है, क्या मैं इसके अंदर का फोर्स पता लगा सकता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है पर वायर वन, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा कितना दिया है, एरिया ऑफ वन कितना दिया है, क्या मिल जाएगा इधर से, कोई डाउट है, नहीं, नेक्स्ट आगे देखो, सिग्मा कितना दिया हुआ है फॉर वायर टू, सिग्मा कितना दिया हुआ है, पी एरिया टू, क्या मिलेगा इधर से, पी टू पी वन मिल जाएगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, ऐसा तीन अनोन्स रहेंगे, कौन सा थ्योरम, लेमिस, कौन सा लगेगा, लेमिस तुम्हें नहीं, नहीं बता देता हूं, जब ऐसे तीन फोर्स रहेंगे, इसे डब्ल्यू है, ये आपका पी टू रहेगा, ये आपका पी वन रहेगा, तो यहां पे देखो ये एंगल दिया हुआ है कितना है, ये कितना रहेगा, अल्टरनेट एंगल 25 प्लस 90, करो कैंसिल, 25 प्लस 90 वन समझा, देखो ये 25 है अल्टरनेट एंगल से, ये 25, ये 90 है, 105 समझा लॉजिक, कुछ है 115 इधर भी एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल 45, ये कितना हो जाएगा प्लस 90 कितना होगा 360 माइनस दोनों एंगल, बाय लेविस थ्योरम, देखो इधर बाय लेविस थ्योरम, सर आपको कैसे सच्चा लेविस लगाना है, जब दो फोर्स पता रहे एक अनोन रहे, तीन एंगल रहे तो लेविस, इसको साइन रूल भी बोलते हैं, कैसे लगता है ये, पी वन अपोजिट एंगल, पी टू अपोजिट एंगल, P3 अपोजिट एंगल, या तो ये दोनों लगा लो या तो ये दोनों लगा लो, कोई भी एक लगा लो, आपको क्या मिलेगा, शिफ्ट सॉल्व करके, शिफ्ट सॉल्व सुबह कभी आप W मिल जाएगा, सब खत्म,
खत्म करोगे दो मिनट में सर, पांच मार्क का सम था पेपर में पूछा हुआ सर। वेलकम टू सर। शिवम कदम लड़की का नाम ठाकुर भाई, शिवम कदम ठीक है ठाकुर के अच्छे। हिंदी को ये पॉडकास्ट नहीं हो गया बाकी तो हमारी में अभी डब्ल्यू दे रहे हो जब ये बनने 20 कम ना ये दे जो सुना तो हम ना निकले दे जो सुना कोई ये क्रीम डाल
क्वेश्चन नंबर 26 ग्रुप पे डाल देना। 26 काला ओके राइट डाउन दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन लिख के ले लो। नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, ये बुक का प्रिंट आउट देता हूं मैं सबको, बस एडमिशन कंफर्म कर लो, इतना बोलूंगा मैं। थोड़ा अमाउंट पे करके एडमिशन कंफर्म कर लो, मैं बुकलेट का प्रिंट आउट देता हूं सबको। टिल देन एक बैच कोड है अपना, वो ज्वाइन कर लो ऐप पे वीसी मॉस। जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स फॉर्मूला शीट सब कुछ रहेगा। वीसी मॉस बैच कोड है वीसी मॉस 36 जिसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, आप दोनों ऐप डाउनलोड कर लो, जो लोग ऐप पे नहीं ऐप डाउनलोड कर लो फास्ट। ऐप डाउनलोड करके वीसी मॉस बैच कोड रिक्वेस्ट डाल भेज दो, तो उस पर आपको सब कुछ डेटा एक साथ मिल जाएगा, पूरा मॉस का एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा हुआ है डेटा उसके अंदर। नीचे बैचेस पे जाओ, बैचेस पे प्लस करके एक सिंबल होगा, नीचे बैचेस होगा मिला ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। जो लोग एफएम के लिए एफएम का बैच रिक्वेस्ट भेज रहा हूं मैं, एफएम वन का बैच कोड है बीसी एफएम वन। जो लोग एफएम के लिए वही भेजना, बाकी लोग रुक जाना भी, जो रिजाइड करने वाले। हाँ जो लोग एफएम के लिए उन लोग सिर्फ एफएम वाला भेजना। पेपर तो सबका होगा, पेपर क्या नहीं है, पेपर तो होगा ना, उनका भी होगा लेकिन दिसंबर में होगा, सेकेंड ईयर इन नहीं होगा। तू इन नहीं है क्या, फिर क्यों इतना टेंशन लेगा, कोई छूट गई तेरी।
गए, ड्रॉप लग गया, एक साल पीछे लेंगे तुमसे, लेकिन मेरे को देने नहीं दिया। वो तो देना ही रहेगा ना, पास करेंगे तो ही तो आगे जाएंगे। नॉर्मल फर्स्ट ईयर वालों के साथ देंगे क्या? नॉर्मल फर्स्ट ईयर वालों के साथ। मैंने क्वेश्चन बोला था लिखने को, लिख लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन लिख के ले लो। अच्छा मैम ने बताया तुमको कंप्यूटर इंजीनियर है, उसी ने सब पढ़ा रही थी, मतलब वो उसी में पढ़ा रही थी, पर वहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे थी बात, मैंने कुछ आपको भी थोड़ी कंप्यूटर। हाँ मैम ने मास्टर्स किया कंप्यूटर, आपने क्यों नहीं बोला मैम? मैम इतना इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मैथ्स ही पसंद है। चलो क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं ना? यस सर। पढ़ भाई। अरे बड़ा सर, अ स्टील बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया हुआ है सब में 1100 mm स्क्वायर। ओके आगे क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट है टू इट्स शियर फोर्स, आई शो इन फिगर। यस यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है कैपिटल ई e 2 इन एमपीए मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस पूछा गया सब में फाइंड द चेंज इन डायमीटर, लेंथ बोला है, डायमीटर थोड़ी बोलो, लेंथ फाइंड द चेंज इन लेंथ है क्लास 10 नाम से। ऐसा कौन सा पाइप क्लियर है यहाँ पर? क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, क्रॉस सेक्शन 3, तीनों सेक्शंस को स्प्लिट करते अलग अलग 1 2 3, उसके पहले समेशन एफ ऑफ एक्स कर दो, राइट साइड इज पॉजिटिव। बोलो 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 समझा क्या किया? हाँ समझा पर याद नहीं है। क्या बोल रहे? -30 -40 -3 चिप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? खत्म करो यहाँ तक पास। और किसी का अकाउंट फोन है? सेम थिंग है, तुम लोग तो ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं सब लोग। किस
कितना आया? 30 किलोमीटर। यहाँ तक हो गया सबका? सबका हो गया जितने बैठे? ओके, अभी नया डायग्राम वापस बनाओ जिसमें पी के जगह पे 30 किलोमीटर लिखो। ओके, अगेन मेक अ न्यू डायग्राम, पी के जगह 30 किलोमीटर लिखो। मैंने ड्रॉ कर दिया, अगेन ड्रॉ कर डायग्राम। सर वो ये पूछ रहा था सबमिशन एपेक्स के, सबमिशन एपेक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एक दो तीन चार, लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव, राइट जा रहा है तो पॉजिटिव। एफ एक्स क्या है इसका मतलब? एफ का मतलब होता है फोर्स, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, समीशन एफेक्ट मतलब ऑल। समझे? ठीक है, समीशन एफेक्ट। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ू। सबका लेंथ दिया हुआ है सामने, पहला लेंथ है 0.5 मीटर लिख दो, दूसरा है 1.5 मीटर और तीसरा है 0.8। तीनों बॉक्स को अलग अलग स्प्लिट करना है, देखना ध्यान से, एक दो तीन, समझा? ठीक है। अभी ये कितना है? 36 है। ये कितना है, समझा क्या किया? तीनों बॉक्स को स्प्लिट किया, आउटर बना लिया, एग्जैक्ट रेप्लिका दूसरी साइड बना, समझा? इनर बना लिया, एग्जैक्ट रेप्लिका दूसरी साइड बना। ये बाहर जा रहा तो इसको बाहर ले लो, ये अंदर जा रहा तो इसको अंदर ले लो। कोई डाउट है? नहीं। ये कैसे जा रहा है? बराबर। ये कैसे जा रहा है? ये पॉइंट देखो, ये जंक्शन देखो, ये जंक्शन दिख रहा है? जंक्शन ऐसा कभी आएगा ना तो इधर का तुमको ढूंढना है, लिखने का -40। क्या लिखने का? माइनस क्यू, लेफ्ट है, क्या है? ये कैसे जा रहा है? ये तुमको ढूंढना है, प्लस एक्स। क्या लिखा तुमने? चिप्स और मारो कितना एक्स, माइनस की प्लस, -70। समझा कैसे किया? वापस समझो, -40 +30, इधर एक्स नहीं पता क्या है, ये ढूंढना है, ये दोनों मिला के इतना बनना चाहिए। माइनस मतलब लेफ्ट की राइट, चलो देखते बात। -70 में से 30 ऐड ये करो, -30 -30 +30 -40 मिल रहा है।
जो खींचेगा वो क्या रहेगा, जो नहीं खींचेगा वो दबाएगा, वो मांगे याद रहेगा ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा एल वन सॉल्व करेंगे, देखो बोलो डेल्टा एल वन पी कितना है, पी कितना है, एल कितना है, ये इंटू टेन रेशो थ्री क्यों किया, वो एमएम एरिया कितना है, ए कितना है, टू एन पाई समझा पी एल अपॉन ए, पहले का पी देखो कितना है, टेन रेशो थ्री क्यों किया न्यूटन, एल कितना है, नीचे एल लिखा है जीरो पॉइंट, ए क्वेश्चन में दिया है हो जाएगा। नेक्स्ट डेल्टा एल टू चल मेरे को तू बताएगा, लास्ट बेंच बता, सेकंड डायग्राम दे राइट है, एल बता राइट है, ए बता ई बता, डेल्टा एल थ्री तू बता, 30 किलोमीटर इनटू 10 रेशो 3 और उसका 0.8 इनटू 10 रेशो 3 अपॉन 1100 इनटू 2 आएगा, अब आएगा, अब देखो लास्ट स्टेप देखो, टोटल डेल्टा एल में पहला वाला पॉजिटिव की नेगेटिव है प्लस डेल्टा एल वन का आंसर, समझा ना ये आंसर, दूसरा वाला पॉजिटिव माइनस सब खत्म, समझा यस कर लो के सब, चलो खत्म करो छोड़ दो तन के लिए क्या है, काम करने को मिल जाए।
हो गया सब। हाँ ये सब बेसिक है, आपको आना चाहिए आगे के चैप्टर्स आने के लिए। इसका सम नहीं आएगा डायरेक्टली आप लोग को, लेकिन तुम दोनों को आ सकता है। ये सब डिप्लोमा में पढ़ा हुआ चीज है, बट मैं सोच रहा हूँ कि डिप्लोमा बहुत टाइम पहले हुआ, उसके लिए मैं अभी वापस बता रहा हूं। ठीक है रिंग। अच्छा जीरो क्या फर्क पड़ता है क्या टाइप टू कंपोजिट मेंबर, कंपोजिट मेंबर्स। When two or more materials are connected together to make a single मेंबर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का एक, जैसे कंपोजिट मेंबर बीम
बीम क्या चीज का बनता है? कॉन्क्रीट रहता है और स्टील रहता है, समझ में आया? ऐसा कोई मेंबर जो दो चीज से बने, जैसे बुक आगे पीछे क्या लगा है और बीच में क्या लगा है? कंपोजिट करता है, समझ में आया? मतलब अगर कोई एक मटेरियल है और उसके अंदर कोई और मटेरियल है, समझ में आ रहा है? लेट अस से कि एक मटेरियल है उसके अंदर दूसरा मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया, तो जो भी एक रेशियो रहेगा दोनों के अंदर का बराबर, और दोनों के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, तो जब भी मैं इसको स्ट्रेच करूं तो डेल्टा एल वन एक मटेरियल में डेल्टा एल टू दूसरे मटेरियल में सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बुक को पाड़ रहा हूं, दो मटेरियल साथ में फटेगा, बुक को खींच रहा हूं दोनों मटेरियल साथ में खींचेगा, तो वन इज इक्वल टू टू। डेल्टा एल का फॉर्मूला बोल दोस्त, डेल्टा एल का फॉर्मूला पी एल ए पी एल, ये दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? सिग्मा। वन वन नाम दे दे, टू टू नाम दे दे, समझ में आया? सपोज दोनों का लेंथ सेम रहेगा, रॉड जितना रहेगा वो लेंथ सेम रहेगा, वन और टू, मतलब बुक का दोनों लेंथ सेम है, जितना जितना लेंथ उठेगा उतना ही लेंथ पेजेस का है, यस करेक्ट। सो एल वन और एल टू क्या हो गया? कॉमन कैंसल हो गया, तो बच्चा क्या क्या? इसको इधर ले लू, इसको रेशियो बोलते हैं। कौन सा रेशियो बोलते हैं? मॉडुलर रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलर रेशियो। प्लीज लिखिए लो, ये दोनों को ऐड करो और भैया पढ़ने के बाद इसका बेस्ट आदि थी वो भी नहीं आया उनको रिप्लाई करा है नहीं वो बीच में गया सबको पेमेंट भी है, आप ये नेविगेट
नहीं दोस्त नहीं ये सर डायग्राम बनना चुपचा मेरा पता होना इधर लिखूंगा इतने सारे ऐसे टोटल पी क्या रहेगा पी का फॉर्म देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या रहता है ये तो पी क्या हो जाएगा तो टोटल पी क्या रहेगा पी वन और पी टू का एडिशन रहेगा दो दो टाइप के मटेरियल है ना तो एक पी के लिए क्या रहेगा समझ में आया प्लीज चेक करो परफेक्ट हो गया लिख के हेलो
बड़ी सब ने लिया तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले उसी के नीचे तीन ही फॉर्मूला है सिग्मा वन ए वन सिग्मा टू ए टू दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा वन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ सिग्मा टू तीन बड़ा रहा है दो ही हाँ दो ही है ये दो मेन लिख दो हाँ एक और लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू वन बाय एम तो एम क्या हो जाएगा वन बाय म्यू मतलब पॉइजन रेशियो म्यू का मतलब क्या होता है पॉइजन रेशियो का मतलब क्या होता है देखो नाम ही बता रहा है रेशियो किसका रेशियो लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का ये लिख के ले लो तीन मतलब चार हो गया तीन के लिए रुपया था नंबर एक डाल जाए क्या है तो डाल दिया अरे काम है क्या काफी इसके लिए डायग्राम ले लेगा निकाला क्लासेस का ऐप खोलो रुक पे ना व्हाट्सएप पे ना क्लासेस का ऐप ओ सॉरी क्वेश्चन पेपर खोलो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पेपर पहले वो ज्वाइन करना था ना सर हो गया ना ज्वाइन मेरा बाकी है मेरा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा है नवंबर 22 वाला खोलो क्वेश्चन नंबर 6A राइट डाउन दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6A क्वेश्चन नंबर 6A राइट डाउन दैट क्वेश्चन ब्लॉक किया रहेगा मैं देखता हूँ तुम्हारी पेन रख मुझे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन
नहीं तू ब्लॉक नहीं है क्वेश्चन लिख लिया किसको ठीक है ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना देखते हैं पूरा ज्यादा कैसे मेरे को दिया नया वाला कैसे बहुत अच्छा कैसे मिला है डन क्वेश्चन हो गया कंफर्मेशन दो ओके ठीक है क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो पढ़ना आयुष रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम ऑफ साइज 230x400 mm एज एक स्टील बार 2.5 stresses develop in steel and concrete. M दिया है ना modular ratio. Modular ratio कितना है? 18.67. खत्म सब? क्वेश्चन खत्म? चलो देखो. ये B है ये D है. B छोटा है D बड़ा है. ऐसा है. सही है? कॉलम ऐसा है. B कितना है दोस्त? B कितना है दोस्त? 400. कितना सरिया डाला है आठ सरिया डाला
ठीक है, ध्यान दें हम कैसे सॉल्व करेंगे सब। एरिया ऑफ कॉलम बोलो क्या फॉर्मूला रहेगा, डी एन डी बी डी दोनों को मल्टीप्लाई किया एरिया आ गया। एरिया ऑफ स्टील बता, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार्स कितना बार्स है, एक का डायर कितना रहेगा बेटा देख ये कॉलम में से स्टील माइनस बच्चे का क्या कॉन्क्रीट बच्चे का एरिया ऑफ कॉन्क्रीट बोल, एरिया ऑफ स्टील माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील, समझा पक्का। देख इधर अपने में मॉडुलर रेशियो दिया है, हमने पढ़ा सिग्मा वन इज इक्वल्स टू सिग्मा एस इज इक्वल्स टू, समझा सर कैसे समझेगा, मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूं अभी तो दोनों से राइट कौन सा, मेरे को बताओ स्ट्रेस स्टील का ज्यादा है या कंक्रीट का ज्यादा है, स्टील का स्ट्रेस मतलब तोड़ने की ताकत, कौन जल्दी टूटेगा कंक्रीट बराबर, तो कंक्रीट का स्ट्रेस कम हो गया स्टील का ज्यादा हो गया, तो स्ट्रेस ऑफ स्टील इज सम टाइप्स ऑफ कंक्रीट मतलब जो ज्यादा रहेगा वो इधर रहेगा, समझा पक्का। सिग्मा एस इज एम सिग्मा सी, सिग्मा एस की जगह पे क्या लिखते हैं, जगह पे पी का फॉर्मूला बोल, सिग्मा एस एस प्लस सिग्मा सी एस पी एस हमें कितना है, सिग्मा एस की जगह क्या लिखू, एस की जगह क्या लिखू, सिग्मा सी के जगह सिग्मा सी लिखू, एरिया ऑफ कंक्रीट के जगह शिफ्ट सौ, मेरे को क्या मिलेगा शिफ्ट सौ पता ना सबको, ये वैल्यू इधर डालू क्या मिलेगा, सबने क्या पूछा था समझ में आया सब, सिग्मा एस कैसे है इधर आ, ये वाले इक्वेशन समझा सब, बहुत इजी से ये लिख लो कोई क्या हुआ, हां आप से स्टार्टिंग कर कोई बात नहीं वापस करेंगे, अच्छा तू समझाना वापस चलो करो कॉपी करो सर माइक पे पहले क्या भी, अरे हाँ नहीं पहना